अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस कार्यालय या ठिकाणी महात्मा गांधी पुण्यतिथी निमित्त अभिवादन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी महात्मा गांधी यांच्या प्रतिमेस माल्यार्पण करून अभिवादन करण्यात आले। या प्रसंगी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। जामनेरमध्ये सुद्धा या कायद्याच्या विरोधात
अतिशय चांगल्या मोर्चे आपण सहभागी काढले. या अशफाकबाई तुम्ही स्वतः अतिशय काँग्रेसचे कार्यकर्ते, तुमचा एक हा मोठा अभिमान आहे. अतिशय चांगलं त्याबद्दल तुम्ही कामकाज करीत आहात. कालच्या मोर्चामध्ये सुद्धा आम्ही मुंबईला असल्यामुळे हजर राहू शकलो नाही, पण काँग्रेसच्या शंकरभाऊ, अशफाकबाई, मुसाबाई, गणेशभाई हे गणेश बोल सुद्धा हे समाधान होते. आणि आपण काही झालं तरी या कायद्याला विरोध करूच आणि पाडण्याचा हा विरोध आपण प्रयत्न करणार आहोत. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पिछली 10 सदियों के महानायक शांति दूत, जिन्हें पूरे विश्व ने शांति का प्रतीक माना, वो महात्मा गांधी. आज उनकी पुण्यतिथि है, ये शहीद दिवस है. 10 जुलाई 1947 को अपनी मौत से कुछ दिनों पहले गांधी जी ने उनके जो प्रवचन सभाएं होती थी उसमें एक सभा में कहा था कि यदि सिंध और उत्तर प्रांतीय इलाकों से कुछ लोग अपनी जान के लिए डर के मारे पाकिस्तान छोड़कर भारत चले आए तो क्या हम उन्हें भगा दें? अगर हम ऐसा करते हैं तो किस मुंह से हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहेंगे? अगर राष्ट्रवादी मुसलमान भी पाकिस्तान छोड़कर भारत आना चाहे और इस मुल्क को अपनाना चाहे तो हमें पूरे आदर के साथ उन्हें कहना चाहिए कि ये आपका मुल्क है और वो पाकिस्तान भी आपका मुल्क है. इस तरह उनको यहाँ हमें रखना चाहिए कि हम भारतीय होकर होने के नाते हिंदू हो या मुसलमान, सब एक, इनमें कोई अंतर नहीं है. अगर ये नहीं हो सकता तो हिंदुस्तान की कल्पना, भारत की कल्पना साकार नहीं हो सकती. ये गांधी का स्पष्ट मत था. गांधी जी के हिंदुस्तान के तस्वुर को, भारत के तस्वुर को, उसकी एकता के तस्वुर को आज वापस से पैदा करने की जरूरत महसूस होने लगी. ये देश की विविधता ही जो है, इस देश की खासियत थी और इसकी विविधता को तोड़कर इसको और दुनिया के जो बदनाम देश है उन देशों के साथ में मिलाने की कोशिश की जा रही है. जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या की उनका मकसद क्या था? वो बेवकूफ आखिरी तक कंफ्यूज थे. उन्होंने सोचा कि गांधी जी को मारकर गांधी जी को खत्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने गांधी जी को मारने से पहले ये नहीं सोचा कि ये वो शख्स है जो अमर है, ये दुनिया से चला भी जावे तो कभी खत्म नहीं होगा. गोडसे को कभी प्रसिद्धि नहीं मिल सकती थी अगर वो गांधी जी के सामने खड़ा नहीं होता और उनको गोली नहीं मारता. इनकी राष्ट्रवाद पर आप कैसे इनसे सवाल करना चाहिए कि ये अगर देश से मुहब्बत करने वाले थे, देशभक्त थे, तो इन देशभक्तों ने उन अंग्रेजों पर एक कंकर नहीं मारा और अहिंसावादी, आधे कपड़ों में रहने वाला, एक वक्त की रोटी खाने वाला, अपनी हाथों से जो है तो गरीबों के आंसू पोंछने वाले उस निहत्ते और अहिंसा के प्रेमी के सीने में 3 गोलियां दागती. उनके मारने की साजिश 3 बार कोशिश की और 3 बार जो है तो ना 2 बार कोशिश की और तीसरी बार कामयाब हुए. तो ये वो राष्ट्रवादी हैं जो आज उठ करके हमसे मतलब देश की तो जनता से, इन्होंने इस देश को एक संत देखा है, वो सारी जनता से सवाल कर रहे हैं कि क्या तुम राष्ट्रवादी हो, क्या तुम देशभक्त हो? अगर देशभक्त हो तो हमारा साथ दो. अगर चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो RSS हो, चाहे वो भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, अगर वो भारत की अखंडता को खत्म करने के लिए, भारत के लोकतंत्र को दबाने के लिए दबाने की कोशिश करता है, भारत के लोकतंत्र की अगर हत्या करने के लिए, उसका गला दबाने के लिए अगर वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है, तो हम ऐसे हाथों को बर्तक नहीं करेंगे, ऐसे हाथों को हम ताकत नहीं देंगे. हमारे लिए ये ज़्यादा जरूरी है, इस देश की जनता ज़्यादा जरूरी है, वो भी नंगी बेसहारा जनता को सहारा देने की जरूरत है. आज भारत का हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, जो कोई भी हो, कोई भी वर्ग भारत का जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा. आज जरूरत है कि गांधी जी के उस सुरक्षा वाले भारत को पैदा किया जाए. जिस तरह गांधी जी ने आकर के मैदान में फसादियों से लड़ने वालों के बीच में आकर के उनके हाथ रोके, एक दूसरे पर हमला करते हुए उनके बीच में आकर के कहा कि पहले मेरी लाश से गुजरो और फिर जो है तो तुम किसी और नियंत्रे या कमजोर आदमी पर हमला कर सकते हो, उसी तरीके से आज हमको निकलने की जरूरत है. देश
प्यार की जरूरत है, देश को विश्वास की जरूरत है, देश को मोहब्बत की जरूरत है। हमें इस मोहब्बत की संकल्पना को गांधी जी के अहिंसा वाले हिंदुस्तान को आगे लाने की जरूरत है, उसी को जो है उसी के प्रचार की जरूरत है। आज मैं कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल और जितने जो समतावादी जितने भी लोग हैं जहाँ तक हमारी बात पहुँचे उन सबको दावत देता हूँ कि वो आए और उस भारत के गांधी जी के उस हिंदुस्तान को साकार करने के लिए हम सब के साथ मिलकर के कोशिश करें। जहाँ हम गलत वहाँ हमें सही करें और जहाँ हम कमज़ोर पड़े वहाँ हमारी मदद करें। थोड़ा आगे आओ पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।